हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन विला यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना नाम चेंज किया है एजुकेशन विला से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने घर पे भी कंटेंट पढ़ते हैं, अपने बुक से अच्छे अच्छे किताबें से पढ़ते हैं। और तो बहुत सारे चैनल्स भी हैं, एजुकेशन चैनल जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। तो मेरा बेसिकली मेरा फोकस यहाँ है कि हम आप लोगों को एक जो एकदम नीडेड चीज़ है वो आप लोगों को दूँ। इसलिए हमने एक सेशन तैयार किया आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो अभी सीरीज चल रहा है। 3 वीडियोज़ हो चुकी है, चौथा वीडियो है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकदम मिडाइवल से, जैसे SSC FCI का मानते हैं 15 में एग्जाम हुआ होगा, तो उसका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि मिडाइवल हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आया, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। उसके लिए चिंता नहीं करना है, आपको PDF प्रोवाइड मैं करूंगा। आप रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदी में भी आपको वो मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है मिडाइवल से क्या है, देख लेते हैं। फर्स्ट, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये काफ़ी रिपीट होता है कि जैसा कि मैंने आपको एक और बताया कि सक्सेस टिप भी मैं देता हूँ हर क्वेश्चन के नीचे, ताकि वो आपको एक ओवरव्यू उस क्वेश्चन का बिहाइंड मिल जाए, ताकि उस रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप अच्छे से डील कर सकते हो। तो आज के क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्या बताया कि तीसरा जो युद्ध किया गया था, तीसरा जो लड़ाई किया गया था पानीपत का, वो किसके किसके बीच हुआ था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? महाराष्ट्र के तरफ मराठा लोग थे और अफगान उधर से पाकिस्तान के इलाके, अफगानिस्तान जो आजकल है, वो अफगान के बीच में हुआ था ये युद्ध, जिसको पानीपत का थर्ड लड़ाई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सक्सेस टिप क्या है दोस्तों, कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 एट पानीपत। तीसरा जो लड़ाई लड़ा गया था वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत के नजदीक, इसीलिए इस लड़ाई को पानीपत का युद्ध कहा गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आप जैसा कि देख रहे हैं मॉडर्न से अब क्वेश्चन आ रहा है। वायसराय लॉर्ड मायो, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड मायो जो थे बिकम अ विक्टिम ऑफ द कॉन्विक ड्यूरिंग हिज विजिट द अंडमान। अंडमान में ये इन्होंने विजिट किया था, ठीक है, और ये खुद विक्टिम बने थे कि वहाँ के क्या हालात है, क्या कॉन्विक्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस यानी कि लॉर्ड मेयो भी कोई है, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन आपको यही आ सकता है कि लॉर्ड मेयो कौन से थे, जैसे कि डच थे, ब्रिटिशर थे, ये क्वेश्चन करके आ सकता है। या भी ये भी आ सकता है कि फर्स्ट वायसराय जो थे, जो अंडमान का विजिट किए थे बिफोर द इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ाद होने से पहले, वो कौन थे, तो मायो आपको बताना। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और डायनेमिक जीके भी मैं लेकर आऊँगा करेंट अफेयर्स के रूप में। बस कुछ टाइम दीजिए आप लोग उनको। सेकेंड क्वेश्चन है, गांधी जी टर्म्ड क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक। वाह क्या बात है। गांधी जी जो क्रिप्स, आपको जैसा कि मैं बता दूं कि ऐसे तो 1936 से ये काम चल रहा था, लेकिन जो वो लोग क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स जो एक क्रिप्स मिशन लाए थे जिससे भारत को आज़ादी मिलने के लिए स्ट्रगल एक ग्रुप बनाया गया था, जो डिसाइड करेगा कि भारत कैसे आज़ाद होगा, क्या क्या करेगा, तो उन्होंने क्रिप्स का प्रपोजल दिया था ब्रिटिशर्स। तो उसी क्रिप्स के प्रपोजल को गांधी जी ने बताया, द पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक। एक बैंक है, जो काफ़ी अच्छी बात उन्होंने बोला था कि क्रैशिंग बैंक है, मतलब बर्बाद बैंक है, उसका पोस्ट डेटेड चेक दिया जा रहा है बाद का, तो ये बेकार था ना। अब आपको देखिए क्रिप्ट के बारे में आपको एक अर्ली जानकारी हो जाएगी, 1936, और जैसा कि मैंने बताया 1943 में ये खुल के यहाँ पे आ गया था। द क्रिप्ट मिशन वॉज एन अटैम्प्ट इन द लेट मार्च 1942, इसीलिए इसको 1943 माना जाता है, 1942-43।
बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर द फुल इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट्स इन द वर्ल्ड वॉर टू। क्रिप्स, अब ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के माइंड्स में कि क्रिप्स मिशन था क्या? तो ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर टू में शामिल था, जैसा कि आपको पता है, किसके विरुद्ध था? तो जर्मनी के विरुद्ध था। और तो वो क्या किया कि उनके सेना काफ़ी मारे जा रहे थे, और उसी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही अमेरिका भी अपना बम जो गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो स्थिति काफ़ी बदतर बनी थी और बहुत सारे 20 लाख सोल्जर मारे जा चुके थे। तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प मांगा कि आप हमारी वर्ल्ड वॉर टू में मदद कीजिए और हम आपको उसके बाद आज़ाद कर देंगे। तो उसी के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था, और ये क्रिप्स मिशन अच्छे से काम तो ले लिया इन्होंने, लेकिन अच्छे से ये काम नहीं कर रहे थे। फिर भी गांधी जी के सपोर्ट से और नेहरू जी के सपोर्ट से और भी हमारे नेता हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी काफ़ी एफर्ट्स डाला। वो जापान से जाकर मिल गए और उससे बर्मा के रास्ते हुए इंडिया पे उन्होंने हमला किया था, जैसा कि आपको पता होगा। तो उससे भी काफ़ी राहें आसान हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी जी हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। तो क्रिप्स मिशन आपको पता चला गया, इस पर टिप्पणी गांधी जी ने क्या किया था, पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द स्टेट झांसी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्से। कहने का मतलब क्या है कि स्टेट जो झांसी था वो ब्रिटिश एम्पायर बन चुका था डॉक्ट्राइन लैप्से के थ्रू, ठीक है? ये बस एक कॉन्फ्लिक्ट से इसको याद कर सकते हैं आप, अचीवमेंट है ये। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा डिटेल एनालिसिस में उसी को बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं, तो आप खुद से अंडरस्टैंड करिएगा, बिना कि किसी का ज़्यादा मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ तो सोचिएगा कि सर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। कहने का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम से, उन्होंने शुरू किया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि साबरमती आश्रम से क्या शुरू किया गया था, तो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, देन यू हैव टू से साबरमती आश्रम। अब आप ये हिंदी मत सोचना कि सर इंग्लिश दिए, मैंने बताया कि आपको हिंदी में प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ में, तो टेंशन नहीं लेना, आखिर में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट तो है ना एसएससी की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ऐसे तो ये जीके एनटीपीसी रेलवे स्टेट पीसी सबके काम लायक है, लेकिन अगर आप एसएससी के स्टूडेंट है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट इन इंग्लिश। अगर आप अच्छे करिएगा तो आपका ये पेपर्स में ही काम आएगा, तो मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, जहाँ तक आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिजिकल जियोग्राफी से है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिजिकल जियोग्राफी क्या है, इससे क्वेश्चन है, कैल्डेरा लेक इज फाउंड बाय, बहुत अच्छा चीज है कि कैल्डेरा लेक बनता कैसे है, कैल्डेरा लेक कैसे बनता, तो वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनता है। मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और यहाँ पे ज्वालामुखी फटा है, तो ये लावा निकला, तो इधर अगर लेक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगा, तब ये कहलाएगा, और ये कौन सा है, कैल्डेरा लेक है, ठीक है, कैल्डेरा लेक, जैसा कि आपको नीचे दिया गया सक्सेस टिप में इसे पढ़िए, आपको वर्बली जानकारी मिल जाएगी। अ कैल्डेरा लेक इज अ लार्ज कल्ड्रॉन लाइक डिप्रेशन दैट फॉर्म फॉलोइंग द इवेक्यूएशन ऑफ द मैग्मा चेंबर रिजर्वर व्हेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ मैग्मा इरप्टेड ओवर शॉर्ट टाइम पीरियड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कहने का मतलब क्या है कि मैग्मा चेंबर से जो लावा निकलता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में अगर लावा निकले, काफ़ी हाई अमाउंट में अगर लावा निकले और शॉर्ट टाइम में, काफ़ी कम समय में वो निकल जाए, तो वैसे कल्डेरा लेक का फॉर्मेशन होता है। और द क्रस्ट अबव द मैग्मा चेंबर इज द लॉस्ट,
और जो मैग्मा चेंबर के ऊपर जो क्रस्ट होता है वो अर्थ के ऊपरी भाग को बोलते हैं क्रस्ट, वो लॉस्ट हो जाता है। द ग्राउंड सरफेस देन कोलैप्स डाउनवर्ड एंड इन टू पार्शियली इम्पेटेड मैग्मा चेंबर लिविंग अ मास साइड डिप्रेशन एट द सर्फेस। वो क्या बात है कि जैसा कि आपको इसमें बता रहा है कि जैसे ये पहाड़ मान लेते हैं, वही कैल्डेरा लेक के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि इतना शॉर्ट पीरियड में इतना लावा निकालता है कि ये सब इसी में धंस के अंदर आ जाता है, धंस के अंदर आ जाता है, जिसके कारण लेक का फॉर्मेशन होता है डिप्रेशन के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक आर फॉर्म्ड ऑफ लेगनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। कहने का मतलब क्या है, सेंट्रल हाईलैंड जो इंडियन, जैसे देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया का पहले मैं ग्राफ बनाता हूं, ये इंडिया का ग्राफ है, ठीक है। तो पेनिनसुलर का मतलब ये वाला भाग पेनिनसुलर, जो तीन तरफ से पानी को टच करे, इधर अरब सागर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है, तो ये जो तीनों टच करता है उस भाग को हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैंने जैसा कि आपको बताया, तो ऐसे ही जो रॉक्स होते हैं यहाँ पे वो इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स में जो रॉक्स पाए जाएंगे वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाएंगे, ठीक है। सक्सेस। और एक क्वेश्चन और है अभी, फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉरेस्ट जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तब बात आता है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, देन यू हैव टू से फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, और भी बहुत सारा है, लकड़ी ही नहीं है, बहुत सारा संपदा भी मिलती है जंगल से, तो वे एक सारा का सारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको आप सक्सेसिवली पढ़ सकते हैं। अ रिन्यूएबल सोर्स इज अ रिसोर्सेस विच कैन बी यूज रिपीटेडली बिकॉज इट रिप्लेस नेचुरली। वाह, आप इसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेस्ट का काटे तो फिर वो पेड़ उग गया, उगा कि नहीं, भले वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एयर कम मिलेगा, अभी तो एयर क्वालिटी के बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जिसका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, वो नेचुरली होते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको ये, जैसे जंगली जानवर हैं वो पेड़ को खाते हैं, तो अगर पेड़ फिर नहीं होगा तो मर जाते हैं, वो फिर होता है पेड़ नेचुरल रूप से, इसलिए उसे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेस बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वैसे ही एनर्जी अगर होगा तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ डेजर्ट रीजन सोयल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय। कहने का मतलब क्या है कि जो डेजर्ट वाला इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, जैसे हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में वो जो हम लोग सोयल इरोजन को चेक करते हैं वो किससे चेक करते हैं, बाय ट्री प्लांटेशन और फॉरेस्टेशन के थ्रू चेक करते हैं कि सॉयल इरोजन वहाँ का है कि होता है या नहीं है, वो ट्री प्लांटेशन पेड़ लगाकर और फॉरेस्टेशन मतलब कि जंगल बसाना, फॉरेस्टेशन और जंगल काटना, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो उससे हम लोग डेजर्ट का सॉयल इरोजन को चेक कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, चेक इन द सेंस यहाँ रोकना है, यहाँ चेक का मतलब वो नहीं है, जैसे कि आप बॉर्डर पे जाते हो तो आपको चेक करता है यानी आपको रोक रहा है, बस उसी का सेंस यहाँ लगा है कि वो रोकना, मतलब डेजर्ट बनने से रोकने के लिए यू हैव टू ट्री प्लांटेशन आपको करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, जंगल बसाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एयर बिकम्स हीटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेडली क्वेश्चन एकदम आते हैं रिपीट होते हैं। जैसे जो एयर जो है, देखते हैं कि ठंडा में ठंडा हो गया, गर्म में गर्म हो गया, बीच वाले मौसम में ठंडा गर्म दोनों हो गया, तो वो कैसे होता है, तो वो आपको कॉन्वेक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, इसको हिंदी में अगर जान लीजिए तो इसको हिंदी में संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन। ये अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं, फिर आपको पीडीएफ में भी देंगे, इसको संवहन बोलते हैं, ठीक है।
तो कॉन्वेक्शन के थ्रू हवा से हवा ही में होता है संवहन। कॉन्टेक्ट वाला तो बॉडी हार्ड बॉडी से टकराने के बाद होता है, कॉन्वेक्शन हवा से हवा में ही हो जाएगा। और तीसरा आता है रेडिएशन, जो रेडिएशन आप वेव के फॉर्म में होता है। तीन टाइप्स के एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी में से एक कॉन्वेक्शन है जो कि एयर गर्म इसी से होते हैं। कॉन्वेक्शन अबव अ हॉट सरफेस अकर बिकॉज हॉट एयर एक्सपेंड बिकम लेस डेंस एंड राइज। कन्वेक्शन जो होता है वह हॉट सरफेस, हॉट सरफेस अकर बिकॉज एक मान लीजिए गर्म वस्तु है उसके ऊपर ही कन्वेक्शन होता है, क्योंकि गर्मी जो चीज होती है वो एक्सपेंड करती है, तो एक्सपेंडेशन होगा उसका, एक्सपेंडेशन होगा तो वो लेस डेंस होगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो फैलती हुई चली जाएगी, इसीलिए कन्वेक्शन के थ्रू गर्म हवाएं फैलती हैं, ये आप उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक। ये तो सबको पता ही है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं क्योंकि ये सबके मुंह पर ये है, तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, जो आएगा मैं वही बताऊंगा आपको। अब जियोग्राफी में चलते हैं हम लोग। जियोग्राफी में ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में एक लैंड पर डिफरेंट एक से ज्यादा अगर हम लोग कोई क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, बहुए खेती इसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल थ्रू विच वाटर कम्स आउट थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर इज कॉल्ड आर्टेशियन वेल। वो वेल का मतलब होता है कुआं, वो कुआं जिसमें वाटर ऊपर आता है, आप देखते हैं गोल चक्री टाइप में लगा रहता है, एक रस्सी इधर एक रस्सी ऐसे 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 पुलिंग करके खींचते हैं, देखे होंगे आप लोग राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे कुएं हैं, तो वैसे कुएं से जो हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू पानी को ऊपर लाते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो आर्टेशियन वेल कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टेशियन वेल। क्या कहलाता है दोस्तों? आर्टेशियन वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इन इंडिया इज कंसीडर्ड ग्रीनेस्ट। इंडिया में जो चंडीगढ़ है वो ग्रीनेस्ट में कंसीडर्ड किया है, तो ये चेंज भी अभी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ईयर भी ईयर बाई ईयर नया नया सर्वे होता है तो चेंज हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन मैन्यूर, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन मैन्यूर इज ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्रीन प्लांट्स। जो प्लांट डिकम्पोज होते हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रीन मैन्यूर हैं, जैसे कि सब्जी बनाया हमने उसका छिलका बचा डाल दिया, कूड़ा का एक जगह मैंने बनाया वो डाल दिया, उस डालते डालते कूड़ा का टाल बन गया, राख वाख गाँव में हम लोग फेंकते थे उस पर, राख ऐश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो गोएठा उठा जलाने पे निकलता था, तो वो सब फेंकते हैं उस पर, तो वो डिकम्पोज होते जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद ऐसा कोई मैन्यूर ऐसा कोई खाद नहीं बना है जो क्रॉपिंग को बढ़ा दे सिवाय उसके, क्योंकि वो ग्रीन मैन्यूर होता है, काफ़ी अच्छा होता है और सॉयल पॉल्यूटेड भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इडुलसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट इज ऑन रिवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इडुलसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो किस नदी पे है, वो पेरियार नदी पे, और पेरियार नदी दोस्तों साउथ की काफ़ी मतलब फेमस है वो साउथ की नदी पेरियार नदी, उस पे इडुलसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि गुरु शिखर पीक जो है वो कहाँ लोकेटेड है। गुरु शिखर, ऐसे लोग सोचेगा गुरु अरे तो ये तो पंजाब में होगा, सिख रिलेटेड, ऐसा नहीं है, ये राजस्थान में।
राजस्थान की हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज, नहीं कुछ था देखिए, गुरु शिखर जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है, गुरु शिखर इज ए पीक इन अर्बुदा माउंटेन ऑफ राजस्थान। अच्छा, ये राजस्थान के अर्बुदा माउंटेन का एक पीक है, इज द हाईएस्ट पॉइंट अरावली रेंज का सबसे ऊंचा शिखर यही है गुरु शिखर। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से हम वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो स्टैटिक होगा, डायनेमिक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जो अभी फिलहाल का जब ये एग्जाम हो रहा होगा उस समय का क्वेश्चन कुछ होगा, इसलिए पॉलिटिक से एक दो क्वेश्चन डायनेमिक भी आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज एन यूनिटरी एंड फेडरल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया यूनिटरी एंड फेडरल में, वो एक रिलेशन होता है कि स्टेट और सेंटर में कैसा रिलेशन है उसके हिसाब से यूनिटरी या फेडरल होगा। फेडरल शायद आपका वहाँ है, अमेरिका फेडरल है और यहाँ यूनिटरी है, तो ये रिलेशन बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या पावर है एक दूसरे का, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ लगभग दोनों भी कह सकते हैं या यूनिटरी सिर्फ कह सकते हैं, ठीक है, फेडरल सिर्फ नहीं होगा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एकदम चार चांद लगा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं लोकसभा के, किसके, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं लोकसभा के, वो अपॉइंटेड किए जाते हैं किसके थ्रू, तो स्पीकर के थ्रू। एकदम आहिस्ता समझिए कि लोकसभा में जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो अपॉइंट करेंगे उनके जो स्पीकर होंगे, यानी लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कब तक उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया जाता, मतलब कब तक उन्हें रिटायर्ड नहीं किया जाता, तो उनका रिटायरमेंट एज 65 है, 65 साल के हो जाएंगे तब वो निकाल दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा इज प्रेसिडेड बाय, राज्यसभा किसके द्वारा प्रेसिड किया जाता है, एक नॉन मेंबर होता है वो प्रेसिडेड करता है इसे, राज्यसभा का मेंबर इसे प्रेसिड आगे नहीं कर सकता, आगे नहीं, सत्र शुरू नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, प्रेसिडेड का मतलब। इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट की इंटीग्रेशन में वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन प्लेड अ मेजर रोल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे देश आजाद होने के समय, जैसा कि क्रिप्स मिशन मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में पढ़ाया था, रिलेट करके पढ़िए कि जो क्रिप्स मिशन आने के बाद बहुत समय के बाद कैसे कैसे बहुत सारा करने के देश आजाद हुआ, पाकिस्तान बढ़ गया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, तो भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे जैसे हैदराबाद के निजाम, जम्मू कश्मीर से 532 हस्तियां थी दोस्तों, तो उन 532 हस्तियां को पूछा गया आप किधर जाओगे, तो सबने इंडिया को चुना कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, बाय सिक्योरिटी रीजन, बाय एनी रीजन, डोंट मैटर। इसमें वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का काफी अच्छा योगदान था, क्योंकि इन लोगों ने ही उन लोगों को मोटिवेट किया कि आप हमारे भारत में शामिल हुए, आपको सिक्योरिटी, हर तरह की चीजें दी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इकोनॉमी में बढ़ते हैं, इकोनॉमी से हम लोग डायनेमिक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो जैसे करेंट का रेपो पूछ दिया, रिवर्स रेपो रेट पूछ दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड पूछ लिया, वो नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि वो डायनेमिक होता है, वो आज का आपको पढ़ना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन वैसे आ जाते हैं। इन एडिशन टू टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बाई फार्म इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, कहने का मतलब क्या है, जो एडिशन टू टोटल कॉस्ट में जो एडिशनल यूनिट जो आउटपुट होता है उसको अगर हम लोग जोड़ते हैं किसी फार्म का, तो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं टोटल कॉस्ट जो है, ये टोटल कॉस्ट है मान लेते हैं किसी कंपनी का, इसमें अगर हम लोग एडिशनल आउटपुट कुछ जोड़ देते हैं उसके बाद ये जो कहलाएगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फार्म्स एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब कहने का मतलब है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का उदाहरण क्या है कि एक फार्म जो होता है उसका एवरेज जो रेवेन्यू होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जो होगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू में तो हम लोग खुद आउटपुट को जोड़ रहे हैं, जब जोड़ने के बाद भी अगर वो मतलब कि अगर ज्यादा हो रहा है तो ये दिक्कत है। तो एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, ये बस आप याद रखिए। और ये क्वेश्चन कोई आपको अगर मेरे समझा नहीं समझ में आता तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर स्पेसिफिकली 1-2 मिनट का वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो कहीं कट रही होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, कट रही होगी तो बर्दाश्त कर लीजिएगा फिर, क्योंकि जैसे जैसे वीडियोज बनते जाएंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। द मेन डिफरेंस जो है, बहुत लोग पूछते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है। मैं इसका एक आपको साधारण चीज बताता हूँ। मान लेते हैं जीडीपी में क्या होता है कि देश के अंदर या देश की कंपनी देश के बाहर जो भी काम करे उसे जो आय प्राप्त होती है उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि एक बाउंड्री के अंदर, तो बाउंड्री के अंदर और बाहर का जो भी घटाएंगे जो आता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड आता है बाहरी, उससे वही डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। नाबार्ड क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोगों को लोन भी शायद मुहैया करवाती है ये इंस्टीट्यूशन। इन हरियाणा द चाइल्ड सेक्स रेशियो द लोवेस्ट इन इंडिया। हरियाणा में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो लोवेस्ट है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, मर्द वहाँ बहुत ज्यादा है और जेंट्स लेडीज काफी कम है हरियाणा में, मार देते हैं लोग अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेक्स रेशियो इसके अनुसार, नॉट मी। ठीक है, जैसा ये दिखा रहा है आंकड़ा, बहुत लोगों पे वहाँ के लेडीजों पे जुर्म भी किया जाता है। और तो ऐसे बहुत है, बिहार में भी कहीं कहीं थे पहले, तो वैसे तो वहाँ कम है, तो कुछ और भी कारण हो सकते, लेकिन ये मस्ट कारण है अकॉर्डिंग टू द डेटा। फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अ व्हीकल विल टॉपल इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आउटसाइड इट्स बेस। व्हीकल जो है, मान लीजिए ये गोलंबर है, नहीं मान लेते हैं कि ये रोड है, कर्व रोड है। ठीक है, और इस कर्व का सेंटर यहां आ रहा है। अगर यहां से कोई गाड़ी जा रही है, अगर जितना इसको मूव, इसके मूव पे डिपेंड करेगा कि इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, जो ऐसे ऐसे हम लोग टेढ़ा करते हैं ना गाड़ी को ऐसे, तो उसके सेंटर पे अगर इस ये रोड का सेंटर है, अगर इस सेंटर से इस गाड़ी का सेंटर अगर आगे चल जाएगा तो गाड़ी गिर जाएगा, उसी को टॉपल बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए देखते हैं कि ज्यादा गाड़ी सुता देने पर गाड़ी गिर जाता है, इसी के कारण गिरता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है हमारा वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। ट्रांजिस्टर एक क्या है? एम्पलीफाइंग डिवाइस है, बस ऐसे करके याद रखिए इसको, ज्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम ग्रेडिंग है वही आपको पढ़नी है, ज्यादा पढ़ लीजिए पता चलेगा एग्जाम में ही भूल जाइए। वैसे कहने को तो मैं इसको 2 पेज में ट्रांजिस्टर बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम बीटेक इंजीनियर थ्रू सिविल सर्विसेज, सॉरी सिविल सर्विसेज बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो ये ट्रांजिस्टर तो काफ़ी मेरे लिए आसान टॉपिक है।
कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको ये एक दो पेज में बता सकता, आप क्वेरीज डाल सकते हैं, आप मैं उस टॉपिक पे स्पेशल वीडियोज आप लोगों को बनाकर दे दूंगा, ठीक है। सीएस का मतलब लोग सिविल सर्विसेज से सोचते हैं, इसलिए मेरे मुंह से भी निकल गया। सिविल सर्विसेज का मतलब CSE होता है। मैं आपको एक नॉर्मल बात है मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर CSE होते हैं और सिविल सर्विसेज सिर्फ CS ही लोग बोलते हैं, और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को भी CSE ही बोलते हैं, तो कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम कब होता है? तो उस मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्यों होता है ये पढ़ने जाएगी तो आपको 12th का चीज पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपको नहीं चाहिए, वो चाहिए वही जो एग्जाम को चाहिए। आप पढ़ने को पूरा पढ़ ही रहे, एग्जाम भी क्रैक नहीं हो रहा तो वो फिर किस काम का। तो एग्जाम रेलेवेंट चीज से पढ़िए, पढ़ाने वाले बहुत है मार्केट में। क्लॉथ मेड ऑफ पॉलिस्टर ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग बिकॉज पॉलिस्टर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। कहने का मतलब क्या है कि क्लॉथ जो जो पॉलिस्टर का बना होता है वो काफ़ी आसानी से तुरंत सूख जाता है। जैसे जारजेट, जिसको हम लोग ऐसे अपने लैंग्वेज में जारजेट का कपड़ा बोलते हैं, वो पॉलिस्टर होता है। तो पॉलिस्टर के कपड़े जो होते हैं वो आसानी से वाटर को, थोड़े से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण पहले ही एब्जॉर्ब थोड़ा सा कर ले तो बाकी पानी तो उसमें गया नहीं, इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं, कम ही पानी सुखाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज। कहने का मतलब कि गैस को जो हम कंप्रेस करेंगे, देखिए कंप्रेस होता है कंप्रेस ऐसे करना, दबाना, तो करने पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे बढ़ेगा, ये मुझे बताने में अच्छा लगा क्योंकि ये एक लाइन का चीज है। मान लेते हैं कंटेनर में गैस है, गैस का मॉलिक्यूल पहले से इतने इतने दूर पे हैं, अगर इसको कॉम्प्रेस करेंगे दबाएंगे तो इनका जो नेक्स्ट आकार बनेगा वो ऐसे ऐसे बन जाएगा, नजदीक बन जाएंगे। नजदीक बनने से क्या होगा, एक दूसरे पे इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। आसपास आदमी होता तो कैसे हाथ मारेगा तो फेंका जाएगा, तो उसी तरीके से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब बॉडी का प्रेशर इंक्रीज हो, इनके बीच का दो बॉडी नजदीक आ जाएंगे, तो इनका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी सरफेस पे यदि उस पे करे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के इमिशन पे, ठीक है ना। इसीलिए लकड़ी से इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होता, क्योंकि बॉडी का लकड़ी का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये सब एक दूसरे से रिलेवेंट चीज है, रिलेट करके पढ़िए याद रहेगा। मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजर स्टार्टेड इन द कंट्री 1950। मैट्रिक सिस्टम जो था ये शायद इंग्लैंड के थ्रू किया गया था, मैट्रिक सिस्टम जो था 1956 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं, मात्र एक क्वेश्चन इसे पूछा गया। और कल से मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक साइड में हिंदी भी लगा दूं, ताकि आप जो बच्चे हिंदी मीडियम के उन्हें आसानी हो। बायोलॉजी, अब हम लोग बायोलॉजी का थोड़ा सा बचा है टॉपिक एक दो, वो एक टॉपिक क्या क्वेश्चन क्वेश्चन बचा हुआ है। इम्यूनाइजेशन इज अ फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय यूजिंग इनएक्टिव एजेंट। कहने का मतलब क्या है कि एंटीबॉडीज बनाने पे इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है, यानी किसी चीज का इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है, यानी कि उसके इम्यूनो सिस्टम को ऊपर किया जा सकता है। वो किसके थ्रू? इन एक्टिव एंटीजेंट्स के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? एंटीजेंट्स मतलब एजेंट, ऐसे आप याद रखिए तो वो याद रहेगा। एजेंट क्या करता है? पैसा आपका कहीं लगवा देता है ना, बढ़ा देता है आपका पैसा लगवा कर कहीं, तो वैसे ही होता है। एंटीजेंट्स जो होते हैं वो, ट्रिक से समझिए आपको याद रहेगा, एंटीजेंट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज के रूप में इम्यूनो सिस्टम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे करके याद रखिए, क्योंकि एंटीबॉडीज फॉर्म
फॉर्मेशन हो जाता है एंटीजेंस के कारण, जिससे इम्यूनो सिस्टम बढ़ जाता है। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो कोरोना वायरस के दौरान जो कि आपको एंटीबॉडीज़ की खोज की जा रही है, ताकि वो एंटीबॉडीज यदि किसी के बॉडी में डाल देंगे तो वो कोरोना का एंटीबॉडीज डालेंगे तो फिर कोरोना उनके लिए बड़ी बात नहीं हो जाएगी, नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए हो जाएगी, इसीलिए एंटीबॉडीज का खोज हो रहा है। स्कैरिस इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। पैरासाइट होता है बायोलॉजी में, आपको पढ़ना है, मैं डिटेल आप लोग के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे कि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज जो होता है एकदम डिटेल में क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो स्कैरिस जो होता है वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल जेनेटिक पैरासाइट। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप समझ रहे होंगे कि पैरासाइट होता क्या है, और इसके डिटेल नीचे दी गई है, मैं अभी आपको बताता हूँ, सक्सेस टिप में देखिए समझ आ जाएगा। स्कैरिस इज जीन्स ऑफ पैरासिटिक नेमेटोड्स वॉर्म्स नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म विच इज टाइप ऑफ हेलमिंच पैरासिटिक वॉर्म्स। कहने का मतलब क्या है कि स्कैरिस एक जीन्स होता है पैरासिटिक नेमेटोड्स का। ये नेमेटोड्स पानी में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, तो ये वॉर्म्स टाइप में होते हैं, जैसा रिंग वॉर्म्स देखें ना, गोल गोल टाइप में होते हैं, राउंड वो देखें, यहाँ राउंड लिखे ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइनल, इनका इंटेस्टाइन काफ़ी छोटा होता है, विच इज टाइप ऑफ हेलमिंच, वो हेलमिंच टाइप में होता है। तो ये आप टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है, हेलमिंच क्या होता है। हेलमिंच के टाइप का मतलब कि पैरास्टिक वॉर्म, ये ऐसा पैरास्टिक होगा जो गोल गोल होगा, किरमी टाइप में होगा, किरमी आप लोगों ने देखा होगा, और इसका इंटेस्टाइन काफ़ी छोटा होता। तो आपको मेन पॉइंट्स याद रखना है कि स्कैरिस जो होता है वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिंथेसिस इन अ ह्यूमन स्टोमेक। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। हमारे बॉडी में लीवर में HCl का फॉर्मेशन होता है, जिसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेस मॉस्क्यूटो। फाइलेरिया जो होता है वो किस मॉस्क्यूटो से फैलता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मच्छर से मलेरिया हो जाएगा, अरे तो मलेरिया कौन से मच्छर से होगा, बहुत सारे मच्छर की प्रजातियां हैं, तो वो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है। क्या होता है, ये हिंदी या इंग्लिश में पढ़िए, दोनों तो एक ही बात है, क्यूलेस मच्छर या क्यूलेस मॉस्क्यूटो। अब इसका डिटेल नीचे दिया गया, देखिए, फाइलेरिया इज अ पैरासिटिक डिजीज, जो पैरासिटिक अभी हमने आपको बताया था, ये इंटेस्टाइनल होते हैं, तो पानी का मैंने बात किया था नेमेटोड, तो ये पानी में ही मच्छर ज़्यादातर रहते हैं और उससे फाइलेरिया मलेरिया होता है। फाइलेरिया इज अ पैरासिटिक डिजीज कॉज बाई इन्फेक्शन विथ राउंड वॉर्म्स ऑफ द फाइलेरिया टाइप। नेमेटोड टाइप था या फिलारोइडिया टाइप होता है, ठीक है, फिलारोइडिया क्या होता है, तो ये एक टाइप होता है, आप इसको बस ऐसे जानिए। फाइलेरिया जो होता है वो एक पैरासिटिक डिजीज है। वॉर्म्स, रिंग वॉर्म्स मैंने बताया था आपको, वैसा ही, दीज आर स्प्रेड बाय ब्लड फीडिंग ब्लैक फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ये फैलता कैसे है, ब्लड फीडिंग, जैसे मान लेते हैं कि ब्लैक फ्लाइज और मॉस्किटो के थ्रू ये होता है, ये जाके आपके ब्लड में छोड़ देते हैं इन्फेक्शन को, आपके ब्लड में छोड़ देते हैं, उससे मलेरिया होता है, ठीक है। जैसा कि अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं बता दूंगा, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि फाइलेरिया मैंने बता दिया कि क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, और क्यों होता है ये भी मैं बता चुका हूँ कि फाइलेरिया जो होता है वो पैरासिटिक डिजीज है, और ये जो इन्फेक्शन होता है वो मच्छर के ब्लड में छोड़ने, जैसे मच्छर आया काटा आपको, ब्लड में वो इन्फेक्शन छोड़ देता है, वो राउंड वॉर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट का मतलब क्या होता है, चमगादड़ होता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, बैट का मतलब चमगादड़ होता है, और ये एक, और ये इसको बर्ड मत समझिएगा, ये बर्ड नहीं है, मैमल्स है, पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है,
ठीक है, पानी में, सॉरी, ये पहला बैट है जो बाहर रह सकता है, ठीक है। और पहला बैट नहीं, बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट एक पहला मैमल से जो उड़ सकता है, चमगादड़। चमगादड़ से ही तो फैला है ये सब कोरोना वायरस, अकॉर्डिंग टू न्यूज। कॉमनेस्ट मैमल इज मैन, सबसे कॉमन मैन का जो, इसको कॉमनेस्ट मैमल्स से नहीं समझिए, चुपचाप समझिए कि मैन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, होमो शैम्पियंस होता है। तो मैन जो कॉमनेस्ट मैमल, मैन जो है मतलब कि कॉमन सबसे मैमल, जो मैमल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्थलीय भाग में रहते हैं। मैमल्स का मतलब जो स्थलीय भाग में रहते हैं उन्हें हम लोग मैमल्स बोलते हैं। तो मैन कॉमन मैमल्स है, जिसे हम लोग, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो शैम्पियंस। और ये जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे बग जो होता है, जैसे कचरा हम लोग बोलते हैं ना, बाहर फेंकते हैं, वैसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में, प्रोग्राम के लैंग्वेज में बग का मतलब एरर होता है, ठीक है। बग वही है, कचरा है, जिसको हम लोग एरर साइंटिफिक नेम बोलते हैं। मॉडेम जो है वो अलाउ करता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मॉडेम लगाते हैं ना हम लोग। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंट्री इंक्लूड इन द ब्रिक्स। ब्रिक्स में कंट्री हैं, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ग्लेन मैकग्राथ जो हैं वो, ये आपको क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब ये पेपर हुआ था, तो 500 विकेट इन टेस्ट, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये जान लीजिए कि ग्लेन मैकग्रा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मिसलेनियस में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, कल मैं अपना नेक्स्ट सेशन लाऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आप मेरे से नए नए जुड़े हैं, तो आप जो दिक्कत आ रही है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको जरूर क्लियर करूँगा।